परम पूज्य आचार्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री हम सबको छोड़ के चले गए, त्रिलोकनाथ के बाद वही हमारे नाथ थे, आज हम सब अनाथ हो गए। हम सब पुण्यशाली हैं जो आचार्य श्री के युग में हम सब ने जन्म लिया, और मैं तो और भी अपने आप को पुण्यशाली मानता हूं कि मैं सन 67 से 67 से जब आचार्य श्री ब्रह्मचर्य अवस्था में किसंगढ़ आए थे तब से मैं जुड़ा हूं। आचार्य श्री की दीक्षा देखने का भी मुझे मौका मिला। आचार्य श्री कोई मंत्र तंत्र डोरा डांडी कुछ भी नहीं करते थे, पर मैं जब भी आचार्य श्री के पास जाता था, कोई मन में भावना कभी भी आज तक कोई भी काम की बारे में उनसे कभी भी मैंने कोई चर्चा तक नहीं की, लेकिन जाके नमोस्तु करता, वो आशीर्वाद देते, उसी में मेरे सारे काम हो जाते। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे आचार्य श्री को निकट भव में मोक्ष की प्राप्ति हो, और आचार्य श्री से उनकी आत्मा से निवेदन करता हूं कि हे आचार्य श्री, हमें भी आप ऐसा आशीर्वाद दें, हम भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सादर जय जिनेन्द्र। जैसा आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज विश्व के स्रोत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की गुणानुवाद की सभा में हम बोल रहे हैं। हो अर्धनिशा का सन्नाटा जग के सब प्राणी सोते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम मुक्ति के पथ पर चलते हो। श्रद्धा भक्ति समर्पण त्याग तपस्या की मूर्ति मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, जो अपने को आनंदित करके, संसार को आनंदित करके मुक्ति पर चल दिए, ऐसे सर्वश्रोणी आचार्य श्री के चरणों में बारंबार वंदन वंदन वंदन। आचार्य श्री का वर्णन एक बात में हो नहीं सकता, वो तो संसार में एक जैसे सागर को बूंद दिखाना है वैसे होगा। जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा छोटा सा मूक माटी, और जिसपे 27, 30, 35 PhD हो चुकी, जो आज विश्वविद्यालय में स्कूलों में पाठ्यक्रम में लगा दी, वो उनका ग्रंथ, ऐसे गुरुवर थे हमारे, जिन्होंने खुद के उत्थान के साथ साथ पूरे मानव कल्याण का उत्थान, जीव कल्याण के, जीव दया के उत्थान के बारे में सोचा हो, ऐसे गुरुवर जिन्होंने हथकरघा में इतना बड़ा योगदान, अपना सबको आशीर्वाद दिया हो, आज पुण्योदय में हो या प्रतिभा स्थली में हो या जितने भी जेलों में हथकरघा चल रहे हैं, उसके बारे में कितनी लंबी सोच, कितनी दीर्घ सोच आचार्य श्री की थी कि जेलों के में जो लोग कैदी, जिन्होंने कुछ न कुछ अपना गलत सलत काम करके सजा भोग रहे, उनके भी जीवन सुधारने के हेतु उनके लिए एक आश्रम दिया कि आप हथकरघा में कार्य करके अपने जीवन को आगे सही दिशा में, मार्ग में चल सको। हम तो 2 महीने पहले हमारी गुणायतन की कमेटी जब आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने गई, हमने मनीष श्री आचार्य श्री से निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से हमें गुणायतन का पंचकरण कराने का योग पर प्रदान करें, तो आचार्य श्री ने हंसकर यही कहा कि देखो
फिर उन्होंने कहा, हमें आशीर्वाद दिया और बोला कि पूरा काम कंप्लीट करके फिर पंचकल्याण करना, और तभी से पंचकल्याण कमेटी और गुणायत्री कमेटी जोर शोर से उसको काम में लगी है। लेकिन समय का किसको पता था कि आचार्य श्री इतने जल्दी हमसे विदा हो जाएंगे, लेकिन उनका शरीर से विदा होना अलग बात है, मन में हमारे वर्षों वर्षों तक रहेंगे। और हमारी तो विशेष कृपा रही उनके ऊपर, विशेषकर मैं जो तिहाड़ जेल का हथकरघा का काम देखता हूँ, हमेशा तिहाड़ जेल के हथकरघा उनके जवान पे आता था, हमेशा पूरा पूरा खूब आशीर्वाद दिया। और मैं अपने परिवार और मैं समस्त गुणायतन परिवार की तरफ से आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार वंदना करता हूँ। हे स्वामी, आप जहाँ भी रहें हमें आशीर्वाद देते रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आचार्य विद्यासागर जी जैन समाज के एक ऐसे संत थे जो जैन मुनि होने के साथ साथ उनको आध्यात्मिक ज्ञान तो था ही, भारतीय संस्कृति के बारे में और विशेष रूप से ग्रामीण संस्कृति के बारे में वो एक समाज सुधारक भी थे। वो गांधी विचार को बहुत मानते थे और इसीलिए वो हिंदी का बड़ा सम्मान करते थे, हिंदी में ही लिखते थे, बहुत अच्छे कवि भी थे। उनका मूक माटी बहुत पॉपुलर उनका काव्य संग्रह रहा है। मेरा भी उनसे बहुत आत्मीय संबंध रहा और इसका एक कारण तो यही था कि गांधी विचार में मेरा भी विश्वास है और उनका भी बहुत विश्वास था। वो गौसेवा के लिए भी काम करते थे, खादी के लिए भी काम करते थे और ग्रामीण युवाओं के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने हथकरघा के काफ़ी काम शुरू किए और खादी को बहुत बढ़ावा दिया, तो एक तरह से गांधी विचार को उन्होंने आत्मसात किया था। सभी धर्मों का उनको बहुत ज्ञान था और धार्मिक सौहार्द के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और समाज की समृद्धि के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। और वो हम सबके बीच अब नहीं हैं, उनका परलोक गमन हुआ है, समाधिस्थ हुए हैं, लेकिन उनके विचार आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रासंगिक होंगे और बहुत सारे लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। हमारी उनको विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। सबके लिए बड़ा दुख का क्षण उस समय आया जब ये मालूम पड़ा कि महान संत परम पूजनीय विद्यासागर महाराज जी हम सबको छोड़ के ब्रह्मलीन हो गए हैं। कई बार मुझे उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब भी मैं उनसे मिला, उनको देख के हमेशा एक ही भाव आता था कि यदि धरती में कोई ईश्वर हो सकता है तो उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में विद्यासागर महाराज जी हमेशा मुझे दिखाई देते थे। चेहरे में इतनी कोमलता थी, इतना प्रेम का भाव था और हमेशा बातें या तो गौ संरक्षण की या ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की स्थापना की, गांव के लोगों को की गरीबी की, उनकी बेरोजगारी की, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की बातें वो करते थे। ये लगता था कि अपने लिए ये कुछ नहीं सोचते, ये समाज के लिए ही और देश के लिए ही लगातार चिंतन करते हुए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसे योगी, ऐसे परम संत, मैं तो ये मानता हूँ कि वर्तमान युग के इतने बड़े संत जो वो हुए हैं, ये ऐसा कभी देखने में नहीं आया। और इसलिए उनके ब्रह्मलीन होने से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रिक्तता हमारे देश में आई है। मैं उस दिन राष्ट्रीय अधिवेशन था हमारी पार्टी का, और प्रधानमंत्री जी ने उनका उल्लेख करते हुए भावुक हो गए और उनकी आवाज़ कुछ क्षण के लिए बंद हो गई जब उन्होंने परम पूजनीय विद्यासागर महाराज जी की स्वर्गवास की सूचना दी। तो ऐसे महान संत की कमी हमेशा न सिर्फ हमें खलेगी ही, लेकिन उनसे वो प्रेरणा हमको मिलेगी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असली जीना तो उसे कहते हैं तो दूसरों के लिए जीना सीखे।
और ये पूरा भाव जो है ये उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता था। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर के धाम में वो गए हैं। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, सात्विक बनाए रखने के लिए और समाज की सेवा के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपने आप को उनसे प्रेरणा लेके समर्पित करने की हम सभी को जरूरत है। ओम शांति। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सारा जीवन राष्ट्र के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित रहा। मैंने कलयुग में अगर ईश्वर को देखा है तो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में देखा है। उनके चरणों में श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आशीर्वाद पूरे देश और पूरे विश्व के सब लोगों को बना रहे। आगरा के पूर्व महापौर और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी श्री नवीन जैन जी हमारे बीच में मौजूद हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के ऊपर जानते हैं उनके विचार। देखिए, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज हम लोगों के बीच में आचार्य श्री नहीं रहे, समाधि उन्होंने ले ली है। और जिस प्रकार से समाचार मिला, पूरा देश के अंदर दुख का वातावरण बन गया। जिधर देखो उधर आचार्य श्री की चर्चाएं रहीं और जिस प्रकार से उनका कर्मठता, त्याग, तपस्या वाला जीवन रहा, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रभावित थे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत प्रभावित थे। और मैं देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का जो श्रद्धा सुमन उनको जो अर्पित कर रहे थे आचार्य श्री को, तो वो बोलते बोलते उनका गला भर आया था, आंखों में आंसू आ गए थे। ये कितने बड़े संत के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने वृंदांजलि दी है, वो निश्चित रूप से पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से उनकी वृंदांजलि थी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आचार्य श्री का जो जीवन है वो वाकई एक एक सीखने और उनसे प्रेरणा लेने वाला जीवन रहा। संत क्या होता है वो उन्होंने करके दिखाया। बहुत ही कठिन तपस्या, तपस्या के मामले में कोई समझौता नहीं, और उन्होंने ऐसे त्यागी तपस्वी, कठोर तप करने वाले सैकड़ों की संख्या में अनेकों मुनि राजाओं को तैयार किया है, साध्वियों को तैयार किया है। अब वो सैकड़ों की संख्या में जो उनके मुनिराज उनके द्वारा निकले हुए हैं और साध्वी निकली हुई है पूरे देश के अंदर, वो प्रचार प्रसार जैन धर्म का, मानव धर्म का जो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से मैं एक कहना चाहूंगा कि वास्तव में आचार्य श्री ने जो चलती फिरती यूनिवर्सिटी तैयार की है और इस यूनिवर्सिटी जो तैयार हुई है संतों के माध्यम से, ये धार्मिक वातावरण देश के अंदर बनाने का, संस्कार युक्त परिवार बनाने का एक बड़ा काम होगा। और मैं इस अवसर पर एक बात और प्रार्थना करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा भारत सरकार से भी, कितने विशाल संत इस युग के सर्वश्रेष्ठ संत, इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ संत, ऐसे संत मुझे नहीं लगता है कि अब आगे भविष्य में होने वाले हैं। उनको जो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न, वो देने का ये काम अगर होगा तो निश्चित रूप से उनकी जो विचार है ये अमर हो जाएंगे, देश के नागरिकों को उससे प्रेरणा मिलती रहेगी। जय जिनेंद्र। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। जब कभी कहीं बोलने का मौका मिलता था तो शुरुआत ही करता था मैं आचार्य श्री के जयकारे से, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, और पूरा जोश आ जाता था मेरे में। अब नहीं रहे आचार्य श्री, पता नहीं कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी मेरी। बचपन से ही सौभाग्य रहा है कि आचार्य श्री के दर्शन करने साल में एक बार तो जाता ही था।
पीछे वक्त वर्ष सौभाग्य और भी प्रबल हुआ और करीबन 6 बार दर्शन किए मैंने आचार्य श्री के गुणायतन परिवार के साथ और अपने परिवार के साथ। हमारा एक ही उद्देश्य उस समय रहा कि आचार्य श्री को दिग्दर्शन कराएं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं गुणायतन में और उनका आशीर्वाद लें, आशीर्वाद लें कि आचार्य श्री के सानिध्य में हमारा पंच कल्याणक हो। पूरे गुणायतन परिवार का एक ही ये मकसद था कि आचार्य श्री के सानिध्य में शिखर जी में गुणायतन का पंच कल्याणक हो। पंच कल्याणक में शायद ये हमें हमारी सोच जो थी, हमारी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर से जहाँ कहीं भी हो आचार्य श्री ऊपर से बरसाएंगे अपना वात्सल्य और उस पंच कल्याणक को ऐतिहासिक बनाने में जरूर उनका पूरा पूरा हमारे पर आशीर्वाद रहेगा। आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलता रहा है, हम सबको मिलता रहा है, आचार्य श्री का मार्गदर्शन मिलता रहा है। आचार्य श्री ने गुणायतन के जो जो कार्य हुए बड़े दिलचस्पी से देखे हैं और हमें आशीर्वाद पूरा पूरा दिया है। हमारे पास शब्द नहीं कुछ बोलने के लिए कि कैसे हम उनके शुक्रगुजार अदा करें, पर इतना विश्वास हमें पूरा है कि हम सब गुणायतन परिवार और हम सब जो भी मार्गदर्शन हमें मिला है उस पर भरपूर चलेंगे, धर्म प्रभावना जैन धर्म की करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जय जिनेंद्र। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी के श्री चरणों में कोटिशा नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव का जीवन चर्या और चर्चा का जीवंत उदाहरण रहा है। उन्होंने अपने जीवन में साधना के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनका अवसान एक युग का अवसान है और उनका प्रयाण साधना के सूर्य की प्रखरता का प्रयाण है। जैन धर्म के ज्ञात इतिहास में विगत अनेक शताब्दियों में ऐसे प्रभावक आचार्य का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है और आने वाली अनेक शताब्दियों तक ऐसे आचार्य संभवतः ही जन्म लें। उनकी साधना अप्रतिम रही है। उनका जीवन मानव मात्र के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए रहा है। उन्होंने सदैव राष्ट्र चिंतन को और राष्ट्रहित को प्रमुखता दी है। उनका जीवन दूसरों के लिए आदर्श रहा और अपने लिए उन्होंने अपनी स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए और स्वयं अपने आदर्शों पर चलते रहे। दो पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ कि पंच पाखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना ऐसे विधि के विधान में, वंद किंतु वंदनीय पुष्प वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना की जो सुगंध बिखेरी है वो इस भारत भूमि पर युगों युगों तक बिखरी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को दिशा मार्ग निर्देशन करती रहेगी। उन्होंने अपने शिष्यों के रूप में साधना पुरुषों का जो बीज बमन किया है वह भी जैन धर्म के इतिहास में अद्भुत अभूतपूर्णीय घटना है और जैन धर्म के लिए भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगी। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे आचार्य श्री जी के दर्शन का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके समक्ष कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था, केवल नमोस्तु और चरण स्पर्श करके बाहर आ जाता था। उनके पहले ही दर्शन में मेरी और मेरी पत्नी ने रात्रि भोजन का त्याग किया। मेरे में यह क्षमता नहीं कि मैं उनके योगदान के बारे में कुछ भी कह सकूं, लेकिन जैन धर्म समाज देश विश्व और श्रवण श्रृंखला में उनका योगदान जग जाहिर है। आज आचार्य श्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। समाज और जीवों के उत्थान के लिए प्रतिभा स्थली, जीवदया, पूर्णायु, श्रमदान इत्यादि अनेक संस्थाओं की स्थापना के लिए समाज और देश सदैव उनका आभारी रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये संस्थाएं निरंतर उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी और मेरा ऐसा भी मानना है कि आचार्य श्री की सबसे अच्छी श्रद्धांजलि ये होगी
कि हम में से प्रत्येक कुछ ना कुछ नियम या संयम को ग्रहण करे, और मैंने भी कुछ ऐसा ही संकल्प स्वयं से किया है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः। श्रमण संस्कृति के उन्नायक दिगंबर जैन आचार्य स्वयं श्रीमति 108 परम पूज्य विद्यासागर दुबे। हमने तीर्थंकरों को तो नहीं देखा, पर देखा आचार्य भगवान को, जिनमें हमें कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की छवि छोटे बाबा आचार्य भी दिखते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य रहा है कि हमने आचार्य भगवान के कारण जन्म लिया और उनके आशीर्वाद से जिन जन्म के सिद्धांतों का अनुसरण किया। आचार्य भगवान न सिर्फ जैन अथवा अन्य समुदाय के लोगों पर बल्कि समस्त प्राणी जीव के प्रति पूर्ण भाव रखने की दिशा देते थे और जन जन के वे आराध्य थे। आचार्य भगवान हमारी भारतीय संस्कृति एवं भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षा देते थे। हमें बोलते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं उद्योग जैसे हथकरघा गौशाला पुण्यायु प्रतिभाशाली आदि योजनाओं के लिए अपना आशीर्वाद दिया। सभी राजनीतिक दलों के नेता एवं अन्य महापुरुष उनके आचरण की प्रशंसा करते थे और अचंभित होते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी उनसे काफी प्रभावित हैं और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करते हैं। अंत सभी को पता है आचार्य भगवान हमें इतने जल्दी अनाथ करके चले जाएंगे, हमें ऐसी आशा नहीं थी। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो उन्हें मोक्ष मिल गए और हम सभी पर उनके आशीर्वाद बरसते रहें। हम आज उनकी विनयजलि सभा में सम्मिलित होकर ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके अत्यंत के मार्ग पर अग्रसर हो। जय जिनेन्द्र। संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर महाराज एवं भावी तीर्थंकर को मेरा सत्सत वंदन है। आज मेरा मन बहुत दुखी है कि हम ऐसे महान आचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उनके जीवन की हर चर्या हर एक जीव की रक्षा करने की रही है, मानवीय समस्याओं को सुलझाने की रही है एवं जैन धर्म के गौरव को बढ़ाने की रही है। आज मेरी यही भावना है कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े और उनके हर एक सपने को साकार करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेंद्र जैन और प्रीति जैन, हम दोनों की तरफ से आप सभी को जय जिनेन्द्र। वर्तमान के वर्तमान आज हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनका जीवन हमारे और आने वाली सभी पीढ़ियों को जैन धर्म का सच्चा मार्ग दिखाएगा। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य भगवान का साक्षात हमें आशीर्वाद और उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जब भी आचार्य श्री के दर्शन करते थे तो ऐसा लगता था मानो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन कर रहे हों। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार का और गुवाहाटी समाज का सत सत नमन, सत सत वंदन। नमस्कार, मेरा नाम सीएल मेहर है। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस 1987 बैच से हूँ और अभी कस्टम सेंट एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एज ए मेंबर काम कर रहा हूँ, अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। मुझे आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के निधन का जब संदेश मिला मुझे बहुत आघात लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे देश ने अपने एक संरक्षक को खो दिया है। मेरा मुझे प्रथम दर्शन और साक्षात्कार आचार्य श्री का नवंबर 2022 में हुआ और उस साक्षात्कार में उन्होंने यही उपदेश दिया कि अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम मार्ग है।
मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि उनके जो बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके आदेश के अनुपालना करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं सच्चे दिल से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। मैं क्रांति शेखर सिंह, वर्तमान में मैं सेक्रेटरी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में कार्यरत हूं। जब मैं मथुरा में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर कार्यरत था, तब प्रथम बार मुझे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन का लाभ नेमावर में प्राप्त हुआ। मैं पहली बार जब उनसे मिलने गया, जब पहली बार उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, तो उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो दृष्टि मेरे आत्मतत्व को छू रही हो। उन्होंने जो भी कहा, मैं ऐसा खो गया कि मुझे स्मृति ही नहीं रही कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ है। मैं जब भी अपने ऑफिस में, अपने कक्ष में बैठता हूँ, तो सामने उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी रहती है, जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती रहती है। मैंने महाराज श्री के मूक माटी, जो उनकी लिखी हुई रचना है, वो उनके हाथों से मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा परम सौभाग्य है। और उससे प्रेरित होकर मैंने श्रीमद् भागवत गीता को काव्य रूप में लिखने का एक संकल्प लिया, जो कि पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से ही सफल हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं। महाराज जी जहाँ भी हैं, सूक्ष्म रूप से हमेशा मेरे साथ हैं। मैं हमेशा उन्हें अपने आसपास ही महसूस करता हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। नमोस्तु। पूज्य आचार्य प्रवर महाराज विद्यासागर जी सशरीर अब हमारे मध्य नहीं हैं, किंतु विगत लगभग 50 वर्षों से संपूर्ण देश और समाज के लिए दिया गया उनका संदेश और मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहेगा। उन्होंने सदैव समाज को सन्मार्ग पर चलने का, दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्त होने का आग्रह किया। उनके मातृवत स्नेह के कारण लाखों लोगों ने अपना जीवन शुचितापूर्ण बनाया है। उनके प्रवचनों तथा आशीर्वाद से बहुत बड़े समाज ने अहिंसा, सत्य तथा अपरिग्रह का अपने जीवन में अनुसरण प्रारंभ किया है। हथकरघा जैसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करके हजारों परिवारों में न केवल आर्थिक स्वावलंबन आया है, साथ ही वे परिवार सदैव के लिए सन्मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिए हैं। अनेक कारागारों के हजारों बंधु बहनों के जीवन में नया प्रकाश लाने का कार्य महाराज जी ने किया है। उनके हजारों प्रवचन, सैकड़ों प्रकार के समाजोन्नयन के कार्य दीर्घकाल तक संपूर्ण समाज को दिग्दर्शन करते रहेंगे। हम उनके श्री चरणों में अपनी विनयांजलि निवेदित करते हैं। उनका स्मरण सदैव हमको बना रहे, वे हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नमस्कार। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक दिव्य संत थे। मुझे 28 दिसंबर 2023 को चंद्रगिरी आश्रम में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत देर तक उनसे बातचीत हुई। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और अपार तेज था। मुझे पता नहीं था कि यह मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी, इसीलिए 28 दिसंबर 2023 का वो दिन मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ गया है। जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर मन में असीम शांति और शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आचार्य श्री से मिलकर ऐसा ही लगा। उनके शब्द अभी भी मुझे बार बार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, भारत किसने बसाया है?
भारत उन्होंने बसाया है जिनका घर नहीं बसा। भारत उन लोगों ने बसाया है जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर दूसरों की सेवा में, देश की सेवा में अपने जीवन को झोंक दिया। उन्होंने ही भारत को बसाया है जिनका घर नहीं बसा। आचार्य ऋषि ने कहा, समर्पित व्यक्ति ही समाज की संपदा है। हमें अपने विचारों से, अपने आचार से देश के प्रति समर्पित व्यक्तियों का निर्माण करना है, देश के प्रति समर्पित समाज का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश को सशक्त बनाने के लिए ही हमेशा कार्यरत रहना है। भारत को सशक्त बनाने के लिए हमारी भाषा, व्याकरण, साहित्य और संस्कृति के माध्यम से अपनी सभ्यता को, अपने युवाओं को सशक्त करना है। गुरुजी मेरे से बोल रहे थे कि बिना पक्षपात के हमेशा राष्ट्र का ही पक्ष लेना है, हमेशा देश के लिए, देश के हित के लिए काम करना है। उन्होंने कहा, क्योंकि आप भारत को समझते हैं, आपको उद्योगपतियों और सभी के मध्य हमेशा भारत के सकारात्मक पक्ष को रखने का ही प्रयास करना है और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना है। भारत की कमियां या नकारात्मक पक्ष जो गुलामी की अवस्था में आ गया था, उसकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें बस सकारात्मक पक्ष देखना है और उसी को आगे बढ़ाना है। यही उनका संदेश था। उन्होंने मुझे मथुरा के जेल में चल रहे हथकरघे के कार्य से भी जोड़ा और चंद्रगिरी के आश्रम में भी हथकरघे का जो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है उसको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यही वस्त्र पहनकर उनसे मिलने गया था। गुरुजी ने मुझे चरण सेवा का अवसर प्रदान किया। इन वस्त्रों में चंद्रगिरी आश्रम और गुरुजी के संपर्क के कारण कुछ अणु परमाणु आ गए। मैं इन्हें बहुत संभाल के रखूंगा, ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य वस्तु है। उन्होंने अपने स्नेह और आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। उनके आचार और विचार मन में सदा जीवित रहेंगे। उनके लिए सच्ची विनयांजलि शब्दों से नहीं, कर्मों से होगी। उनके जीवन से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण की प्रेरणा मिलती है। अपने जीवन का हर क्षण और इस शरीर का हर कण राष्ट्र के लिए समर्पित हो, सकारात्मक विचार हो, यही मेरे श्रद्धा सुमन विनय पूर्वक श्री चरणों में समर्पित है। नमस्कार। आज बड़े दुख का दिन है। आचार्य श्री से बड़ा संत मैंने तो नहीं देखा धरती पर अभी तक। उनका त्याग, उनकी तपस्या और देश के लिए समर्पण कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखा। मैं काफ़ी युवा अवस्था से उनके पास जाता रहा और हमेशा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उनकी मुस्कान हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है और हमेशा रहेगी। जीवन के कठिन समय में हमेशा उनके पास जाता था, हमेशा आशीर्वाद देते थे और सही मार्ग पर चलने का रास्ता बताते थे। जब उनकी तबीयत खराब थी, मुझे पता लगा, जाने का बहुत मन हुआ, लेकिन मालूम नहीं था कि इतने जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ
कि आचार्य श्री को अपने पास स्थान दें, उनका स्थान वही है, प्रभु के पास ही है। आचार्य श्री की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, और मेरे लिए तो वो जीवन का एक अंग थे, मेरे गुरु मेरे जीवन का एक अंग ही नहीं थे, मेरे लिए सब कुछ थे। आज मैं जहाँ भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और हर मनुष्य के साथ रहेगा। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोलूँगा कि वो वास्तव में संत थे, और उन्होंने अपना जीवन निछावर करके हम सब लोगों के लिए जीवन भर कार्य किया, देश हित में कार्य किया, समाज हित में कार्य किया, हमें सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। आचार्य श्री के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा नमन करता हूँ, उनके चरणों में मुझे स्थान हमेशा मिलता रहे, मैं उनके चरणों में हमेशा बना रहूं, यही प्रभु से कामना है। धन्यवाद। जैसा कि सबको विदित है, हमारे आचार्य गुरुवर साक्षात रूप से नहीं, किंतु हमारे मन और मस्तिष्क के पटल पर विराजमान हो गए हैं। अपने गुरुवर के श्रद्धांजलि स्वरूप इतना ही कहना चाहूंगा, जो उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, चाहे वो प्रतिभा स्थली के स्वरूप में, गौशाला के रूप में, पूर्णायु के रूप में, हथकरघा के रूप में, वर्तमान में आचार्य श्री के मार्ग निर्देशन को अपना धर्म मानकर निर्वाह करता रहूंगा। सादर जय जिनेंद्र, एवं अपने गुरु के प्रति समर्पण, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री के आशीर्वाद का कुछ अलग ही जादू है। मेरा एक छोटा सा संस्मरण है, जब आचार्य श्री इंदौर में थे, पंच कल्याणा की भारी भीड़ में मुझे बड़ी मुश्किल से महाराज जी के दर्शन हुए। मैं अपने साथ एक कागज पर अपने द्वारा लिखी एक कविता लेकर गई थी, स्वराज है सुराज बाकी है। महाराज जी ने कविता पढ़ी, मुस्कुराया और खूब सारा आशीर्वाद दिया, और उनकी कृपा ऐसी है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान मेरी कविताओं की एक किताब छप गई, जिसकी प्रस्तावना अमिताभ बच्चन जी ने लिखी, और हाल ही में उन्होंने स्वयं वो कविता पढ़ी भी। सब महाराज जी का आशीर्वाद है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंबिकापुर के मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि धरती के देवता आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 परमान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य छुलक 105 आदर्श सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज हम सब एक ऐसी विभूति को बिना अंजलि के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, परम पूज्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज, विश्व वंदनीय। हमारे बीच 18 तारीख फरवरी 2024 को देवलोक की ओर बिहार कर गए। आचार्य श्री तप त्याग तपस्या की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति थे। पूरे संसार में, पूरे कायनात में वो एक पूज्यनीय थे। हमारे बीच में उपस्थित हैं अरिहंत जैन जी, जो प्रेमी परिवार से हैं, कटनी से आए हैं। उनसे आग्रह है कि वो भी आकर के
अपने दो शब्द रखें। श्रीमान अरहंत जैन जी, जय बोलिए। परम पूज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मैं अरिहंत जैन बिट्टू कटनी से अपने और अपने प्रेमी परिवार की ओर से कुछ पंक्तियों के माध्यम से आचार्य गुरुवर के चरणों में पुण्यांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। निशब्द हो गया है ये संसार सारा, आपके बिना कैसे लहराएगा ये धर्म ध्वज हमारा। बस नाम जपने से आपके मिल जाता था कितनों को सहारा। गुरुदेव आपके आगमन से बदला होगा स्वर्ग कभी न जारा। जन जन की आंखों को जाने की खबर ने आंसुओं से भर डाला। जैन जगत ने मानो अपना अस्तित्व खो डाला। आपकी दूरगामी सोच ने ना जाने कितने लोगों को हिंसा रहित रोजगार दे डाला। आयुर्वेद का परचम आज के समय में आपके मार्गदर्शन ने जन जन के कल्याण में भर डाला। शिक्षा नीति की ओर भी आपने भरपूर प्रकाश डाला और जैन संस्कृति का परचम क्या खूब प्रतिभा स्थली के नए स्वरूप में आपने दे डाला। तीर्थंकर के रूप में जिनको इस जगत ने जाना है, धरती के देवता ही धरती को सूना कर गए। इंडिया को भारत का स्वरूप जिनने दिया है। मातृभाषा का महत्व आपने हम सबको बतलाया। आज के इस अंग्रेजी युग में हिंदी को अपना जन जन के कल्याण में लगा डाला। हमारा अस्तित्व आपके बिना डोल रहा है। गुरुवर आपका न होना हमारे मन को अंदर ही अंदर झकझोर रहा है। साथ था जब तक आपका, हम जैन शान से जीते थे। आपके नाम के चर्चे चारों धाम करते थे। मंदिर इतने विशाल आपकी ही सोच के परिणाम हैं। आपके कणकण से महकी इस धरती की माटी महान है। आपकी जीवन गाथा को जरूर से ग्रंथ के रूप में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी का हर बच्चा विद्या गुरु का नाम जरूर सुन पाएगा। आपने देखा है अपनी आंखों से जीते हुए भगवान, हमने देखा है अपनी आंखों से जीते हुए भगवान को। आपको जाते देख ये दिल चूर चूर हो जाएगा। कह दो सब लोग कि ये झूठ है। गुरुदेव आपके जाने से धरती पर से भगवान का हाथ उड़ जाएगा। प्राणी मात्र की पीड़ा को अब आपके नज़रिए से कौन देख पाएगा। निःशब्द पशुओं की आवाज़ को अब कौन समझेगा। गौ माता के महत्व को अब कौन समझाएगा। गांव गांव गौशाला अब कौन खुलवाएगा। आपके चेहरे की मुस्कान से सबका दिल सवर जाता था। आपके दर्शन पाकर मानव जीवन सफल हो जाता था। अब तक जो हम हैं करते थे, अब वो कल से था में बदल जाएगा। ये है और था का अंतर हम सबके दिल को बहुत दुखाएगा। नाम तो आपका हमेशा हमारी जुबान पर आएगा। जब तक जीवन है तब तक जीवन में आपके दिखाए रास्ते पर चलने में गुजर जाएगा। जब भी मुश्किल में पड़ते थे तो आपका आशीर्वाद पाकर ये मन को मरमल मिल जाता था। अब समझ में नहीं आ रहा जब पूरा जगत पर इतना बड़ा दुख आया है तो मनोबल पाने कहाँ जाएँ। इस रात के बाद फिर दिन निकल आएगा, पर मंदिर में भी अब किसी का मन कैसे लग पाएगा। आचार्य भगवान के जय के बिना तो मंदिर के भक्तों से भी नहीं रहा जाएगा। हे तपोमूर्ति, ये आराधक हर जुबान पर अपने आप आएगा और आते आते फिर से आँखों में जल उमड़ आएगा। अब तो भगवान के पास में ये मन कैसे लग पाएगा। गुरुवर ये दिन हमारे जीवन में आएगा, ये दुख हमें हमसे नहीं संभल पाएगा। ये तो जीते जी हमें मौत के दर्शन करवाएगा। आपकी मधुर वाणी अब ये जगत नहीं सुन पाएगा। आपका आशीर्वाद और मुस्कान के लिए जन जन तरस जाएगा। इतना बड़ा समूह शरण आपका, आपके बिना सूना पड़ जाएगा। हे गुरुवर, आपने तो कर दिया अपना कल्याण उत्कृष्ट समाधि मरण लेके, अब जन जन का कल्याण कौन कर पाएगा। गुरुवर नमोस्तु। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपने दी। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान अनूप जैन जी IRS। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपनी बात मंच पर आकर कहें। श्रीमान अनूप जैन जी IRS। परम पूज्य आचार्य गुरुवर आचार्य भगवान को कोटि कोटि नमन। आचार्य भगवान की प्रतिमूर्ति हमारे सामने विराजमान परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर महाराज मुनि संघ को नमन। मैंने एक बार भोपाल में मुनि प्रमाण सागर महाराज के समक्ष कहा था कि महाराज जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी प्रशासनिक सेवाओं में मेरा चयन हुआ, और इसका सबसे बड़ा मुझे जो लाभ होता है वो ये होता है कि गुरुजी के आशीष से मेरा चयन हुआ था और मैं बार बार गुरुजी के पास जा पाता हूँ। मैंने अब तक अपना
सबसे बड़ी उपलब्धि पाई कि मैं उन बिरले लोगों में हूँ जिनसे गुरुजी ने कई बार 20 से 25 मिनट तक चर्चा की। गुरुजी, हम ग्रस्त लोग हैं, हम लोगों को बहुत बार लगता है कि जो आप हमको उपदेश दे रहे हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम दौड़ते थे कि महाराज जी, गुरुजी हमारे घर में बच्चा हुआ, गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको बीमारी हुई, गुरुजी हमारा पेपर है ठीक हो जाए, गुरुजी हम विधान कर रहे हैं अच्छे से हो जाए, अब लगता है जाएंगे कहाँ। उस दिन से पूरे जैन समाज में ये प्रश्न है कि हम कहाँ दौड़ेंगे गुरुजी के लिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि गुरुजी ने ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा जहाँ हमें मार्गदर्शन ना दे दिया हो। आप ढूंढ लीजिए कोई जगह जहाँ आचार्य भगवान ने हमको राह ना दिखा दी हो। वो केवल राह दिखाते थे और वो अपने आत्मकल्याण पर बढ़ते जाते थे। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे प्रशासनिक सेवाओं वगैरह के लिए बहुत सारी संस्थाएं आगे आई हैं, पर हमारे भगवान थे, उनने एक अंकुर के रूप में प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला और आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। गुरुवर ने इतनी संस्थाएं खोली, इतनी चीज़ें दी कि हम उनको गिन नहीं सकते। अब मुख्य मुद्दा है कि विनयांजलि के रूप में हम गुरुजी को क्या कहें। तो गुरुजी तो ऊपर विराजमान है, हम गुरुजी से बस ये कहें कि हे गुरुजी, हम संकल्प लेते हैं कि आपने जो रास्ता बताया, गुरुजी के बहुत सारे काम अधूरे हैं, सर्वविदित है, हर काम पूरा नहीं हुआ है गुरुजी का, और गुरुजी का उद्देश्य भी पूरा करना नहीं था। गुरुजी का उद्देश्य राह दिखाना था इस समाज को और दिखा दी और आपको बता दिया कि आप इसको ऐसे बढ़िए। अब हमको पूरे संकल्पों से पूरा करना है हमारे गुरुजी के कामों को। आपने जो संकल्प लिए तो उनको आगे बढ़िए। मैं गुरुजी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक बार मैं गुरुजी के पास घर जा गया और मैंने कहा, गुरुजी मेरा बेटा हुआ है, बड़ा हो गया। उस दिन काफ़ी देर तक गुरुजी से चर्चा हुई, गुरुजी प्रसन्न मुद्रा में थे, तो साथ में नहीं ले गया था। मैंने कहा, गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए, क्या बनाऊँ क्या कराऊँ। अब देखिए हमारे गुरुजी कैसे आशीर्वाद देते थे। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, नागरिक बनाओ, नागरिक बनाओ, इतना बोल दिया। अब आप समझते रहिए क्या बनाओ। आपको आप समझना चाहिए कि नागरिक क्या, जो नागरिक बन गया भारत देश का, आपको सभी समाज के लोग बैठे, गुरु से बड़ा राष्ट्रवादी इस भारत में कोई नहीं था। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ऐसे ही नहीं आए हैं। 4 मिनट तक की स्पीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गला भर गया, क्योंकि उनसे बड़ा राष्ट्रवादी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने जो चीज़ें दिखाई, प्राचीन संस्कृति की चीज़ें हमारे सामने ला दी, वो हर जगह हमको रास्ता दिखा गए, हमको वहाँ बढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ, नाम वो घटना नहीं बताऊँगा। गुरुजी के समक्ष एक बहुत बड़े जस्टिस गए थे, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बात बताई। उनको एक मुद्दा कहा कि गुरुजी इस मुद्दे पे क्या करूँ। गुरुजी जैन समाज से संबंधित मुद्दा था, गुरुजी चाहते तो उस मुद्दे पे अपनी राय दे सकते थे। वो एक घंटे तक आशीर्वाद मांगते रहे, प्रयास करते रहे, चर्चा होती रही। आखिरी में गुरुजी ने उनसे क्या कहा, देखिए कैसे इतने महान गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा, आप न्यायाधीश हो, आप पंच परमेश्वर हो, आप जो निर्णय करेंगे पूरे समाज को मान्य है, कोई अपील कोई दलील नहीं। कुछ नहीं बोला गुरुजी ने, ऐसे गुरुजी थे ये, इसलिए आज इतने बड़े ऊपर जाके गुरुजी इतने पूज्य हैं। तो गुरुजी के समक्ष मेरा तो बस यही है कि गुरुजी तो नहीं है, पर आप जैसे गुरु हैं तो हमको आशीष मिलता रहेगा और हम उस रास्ते पे चलेंगे, बस यही मेरा संकल्प है। और यही सारे विनयांजलि में सबसे कहूँगा, गुरु के उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जैन समाज को बताना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी राष्ट्रवादी समाज है। हमको कई बार गर्व होता है कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, और मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मुझसे जैन समाज से बड़ा राष्ट्रवादी नहीं है। हम राष्ट्र के लिए समर्पित समाज हैं, हम संस्कृति के लिए समाज हैं, एक गुरु ने हमको सिखाया है और इसी तरह से हमको रहना है, ताकि हमारी पहचान, अभी गुरु से हमारी पहचान थी, हमारी पहचान गुरु थे, लेकिन वो पहचान बाकी रखना है। कभी कोई ये ना कहे कि विद्यासागर के शिष्य ये हैं, विद्यासागर के शिष्य तो हर जगह चमकना चाहिए, यहाँ तो चमक रहे हैं, पर हम ग्रस्तों में भी चमकना चाहिए। मैं यही श्रद्धांजलि, यही नमन, यही विनयांजलि के रूप में सबसे अपेक्षा करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज। मैं बहुत ही अनन्य भक्त हमारे बीच में थे, मैं अब भैया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं सारांश भैया जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपनी वाणी से हम सभी को प्रभावित करें। श्रीमान सारांश भैया जी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु से बात, दुर्लभ गुरु मुस्कान है, दुर्लभ सिर पे हाथ। बंधु, जैन लोक श्रुति में तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। एक तो गोमटेश बाहुबली का वंदन, दूसरा सिद्ध क्षेत्र का समेत शिखर जी का अर्चन, और तीसरा परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीष प्राप्त करना और उनके दर्शन प्राप्त करना, उनकी सन्निधि का लाभ लेना। अत्यंत दुर्लभ था और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम में से कई लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका आशीष प्राप्त हो रहा था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि उनकी नज़रें हम जैसे हजारों युवाओं पर पड़ी तो हम लोगों के जीवन का नज़रिया ही बदल गया। इतना प्रभावी व्यक्तित्व कि हर कोई उनको देखकर आत्मोन्मुखी हुए बिना रहता नहीं था। जिसने उनको शांति से देख लिया, दो टुक नज़र से देख लिया, वो शांति से आत्मोन्मुखी हो जाता था, सहजता से। अब बहुत कहने की मानसिकता नहीं है, गुरुजी थे, अब उनका वियोग हो गया है। वियोग क्या हुआ है, वो संबल, उन्हीं के आशीर्वाद ही उनका संबल है। और उन्होंने जो वाक्य लिखे निजानुभव शतक में, वही बार बार याद आते हैं। रे जीव तू जगत में रहता अकेला, कोई न संग चलता, गुरु भी न चेला, है स्वार्थपूर्ण निश्चय है एक मेला, जाते सभी बिछुड़ हो जब अंत बेला। उन्हीं का यह वचन बस संबल है कि हम तो हमेशा अकेले ही हैं। परम पूज्य गुरुदेव के वाक्य ही हम सबके लिए संबल हैं। और अंत में एक ही मंगल कामना है, पंक नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं न सीप, दीप बनूं जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं, हमारे बीच में छुल्लक महाराज जी उपस्थित हैं, मैं बारंबार इच्छामी करता हुआ विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपनी दिव्य देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद समय समय पर एक से बढ़कर एक महान आचार्य हुए, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, समंत भद्र स्वामी आदि। उन्हीं की परंपरा में 21वीं सदी के महान आचार्य हुए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। जैसे हम पूर्व के आचार्यों को याद करते हैं, उसी प्रकार आचार्य भगवान को हम सब याद करते हैं और करते रहेंगे। जब तक धर्म है तब तक आपको सभी याद करेंगे। हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक आम साधक ही नहीं थे, साधक में भी उन्होंने चरम शिखर को प्राप्त किया और साथ ही जन कल्याण, समाज कल्याण और देश कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। उसी का परिणाम है कि हम सब आज उनकी स्तुति कर रहे हैं। आपके उपकार को हम नहीं भुला सकते। आपने जो हमें दिया है, हम यदि उसका वर्णन करने बैठे तो पता नहीं कितना जन्म हमें कम पड़ जाएगा। हम अपनी बात का ज़्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, चूँकि हमें परम पूज्य गुरुदेव को सुनना है, तो मैं संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ, उनके उपकार के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले, कोई भी साधक, उसकी सबसे प्रमुखता होती है उसकी साधना की। तो वो कैसे साधक थे, उन्हें कहा जाता था ये वो वर्तमान के वर्धमान थे। क्यों? उनकी साधना वैसी थी, उनकी साधना चतुर्थ काल के श्रमणों की तरह थी। उनके पास विशाल संघ था, लेकिन वो कभी अपने संघ को, अपने को नायक नहीं मानते थे। वह कहते थे मैं मात्र एक ज्ञायक हूँ। कैसी निष्प्रियता थी उनके आचरण में। उनकी साधना के साथ साथ आप देखेंगे उनमें कितनी करुणा थी। मैं जो भी कह रहा हूँ, आप सबसे आश्चर्य की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन बातों को कहा और जिस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, हमें लगता है वो हमसे ज़्यादा जानते थे आचार्य भगवान को। तो उनके करुणा को आप जब देखते हैं, वो करुणा सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय तक नहीं थी या मात्र मनुष्य तक नहीं थी, उनकी करुणा जीव कल्याण के लिए थी। उसी का परिणाम आप देखते होंगे, जगह जगह पर गौशाला खुला है। जो कहते हैं जिसके दिल में
जीव मात्र के प्रति कल्याण करुणा के भाव होते हैं, उसकी वह भावना ऐसी वृद्धिगंत प्राप्त होती है कि कहीं ना कहीं उसे कभी ना कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो हम सबकी ये भावना भी है कि कोई आश्चर्य नहीं ये हमारे भविष्य के तीर्थंकर भगवान के रूप में ये प्रकट हों। इसलिए हम सबकी ये भावना है कि आप जिस प्रकार जैसी साधना किए, हम सब आपके बताए मार्ग पर, बताए राह पर चलें और अपनी जो साधना है उसमें किसी प्रकार की कमी ना करें। आचार्य भगवान समाज कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, आप सब जानते हैं, अभी काफ़ी उसके बारे में विस्तार से वर्णन हो चुका है, हथकरघा के बारे में, प्रतिभा स्थली के बारे में, उसके बारे में मैं पुनः नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि उनका राष्ट्र के प्रति जो चिंतन था वह चिंतन अविस्मरणीय था। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो उसमें उनका योगदान था, चाहे उनकी विचारधारा थी कि अपने देश को यदि विकसित देश में लाना है तो हमें मांसाहार का निर्यात बंद करना होगा, यह उनकी चिंतन धारा थी। उन्होंने अपने हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए बहुत कुछ किया, इस प्रकार उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से समाज के बीच में रखा ताकि जन जन उसको समझे और उनकी बातों को अमल करे ताकि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। हम आपके बारे में ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहेंगे भगवान, आपने जहाँ हजारों हजार भाई बहनें बैठे थे जिन्हें जनेश्वरी दीक्षा के भाव थे, पर उनका कहीं ना कहीं कुछ पुण्य कम रहा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपकी अनुकंपा हम पर पड़ी और हमें दीक्षा प्रदान की। मैं यही भावना भाता हूँ, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जिस प्रकार आपने अपने साधना के शिखर को चुना, कि ऊंचाइयों को छुआ है, समाधि मरण पूर्वक अपने देह त्याग किया है, आपके आशीर्वाद से मैं भी वह कर सकूं। इसी पुनीत भाव से बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। मैं परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए संपूर्ण सरगुजा वासियों की तरफ से और संपूर्ण अंबिकापुर के जैन समाज की तरफ से विनम्र आग्रह पूर्वक, और बाहर से जितने भी महानुभाव आए हुए हैं उन सभी की तरफ से आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हम सभी को अपनी दिव्य देशना के द्वारा कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव। ओ, सभी लोग हाथ जोड़ लें और आज की इस विनयांजलि सभा की शुरुआत हम महामंत्र के स्मरण से करेंगे। मंत्र किसी जाति, संप्रदाय, पंथ या धर्म विशेष का नहीं होता, वह हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है जो हमें हमारे परमात्मा का एहसास कराता है। इसी भाव के साथ आप सभी महामंत्र का स्मरण करेंगे, मैं कहूंगा आप दोहराएंगे। रमो अरिहंतान एलमो सर्वशाहुनम्
ऐसो पंचेण मोयारो सव पाव पनाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव। 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। आज हम जिनके संदर्भ में विनयांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, वे एक व्यक्ति नहीं एक युग थे। अगर हम आचार्य गुरुदेव के जीवन और उनके दर्शन पर विचार करते हैं तो वो हमें एक व्यक्ति की तरह दिखते ही नहीं। व्यक्ति जन्म लेता है, उसका जीवन होता है और अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां अर्जित करता है, एक दिन चला जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिसके जन्म या अवतरण के बाद उनके पुण्य और पुरुषार्थ से जो प्रकाश फैलता है वो युग युगांतरों तक द्योतित होता रहता है। मैं परम पूज गुरुदेव को इसी रूप में देखता हूँ कि वे एक जाज्वल्यमान सूर्य की तरह, दैदीप्यमान सूर्य की तरह इस धरती पर प्रकट हुए और आज भी उनका प्रकाश हम सबके साथ है और मैं मानता हूँ आने वाले युग युगांतरों तक वह प्रकाश हम सबके साथ रहेगा। ये बहुत दुर्लभ संयोग है, एक बहुत बड़े अंतराल के बाद हमें किसी ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य मिला, उनकी प्रत्यक्ष उनके प्रत्यक्ष सानिध्य पाने का सुअवसर मिला, उनकी शरण और कृपा पाने का सौभाग्य जगा। संत संत मात्र हम सबके लिए कल्याणकारी होते हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे होते हैं जिनकी विलक्षणता पूरी सृष्टि का कायाकल्प कर देती है। आचार्य विद्यासागर महाराज ऐसे ही संतों में एक हैं जिनसे पूरी सृष्टि गौरवान्वित हुई है, जिनने पूरी सृष्टि के कायाकल्प में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर हम आचार्य विद्यासागर महाराज को एक जैन आचार्य के रूप में देखते हैं तो निश्चित वे एक बड़े ही चर्यानिष्ठ, दृढ़ कर्तव्यनिष्ठ महान आचार्य के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के उन्नयन और विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, या यूं कहें संपूर्ण श्रमण संस्कृति का उत्थान किया, उत्थान ही नहीं उसका प्रवर्तन और पल्लवन भी किया। हम उस संदर्भ में अभी ज़्यादा बात नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि आज मैं कुछ और बात उनके संदर्भ में रेखांकित करना चाहता हूँ, लेकिन एक महान आचार्य की पंक्ति में आचार्य विद्यासागर स्थान प्राप्त कर गए, जो भगवान महावीर से लेकर आज तक हजारों आचार्य हुए उनमें से हम कुछ गिने चुने आचार्यों को स्मरण करते हैं। मुझे पक्का भरोसा है आने वाले शताब्दियों में आचार्य विद्यासागर को भी उसी गौरव के साथ स्मरण किया जाएगा, क्योंकि उनका वही कृतित्व है, वही व्यक्तित्व है। वे हमेशा जैन आचार्य
जो जैन तत्व ज्ञान के पुरोधा थे, अध्यात्म के प्रवर्तक थे, आचार्य कुंदकुंद को अपना आदर्श मानते थे और आचार्य कुंदकुंद की भांति ही अपनी चर्या और क्रिया में अप्रमत्त रहते हुए वे सतत अनुरक्त रहते थे। वे आचार्य कुंद, हम लोगों को तो उनमें आचार्य कुंदकुंद की ही छवि दिखती थी और ऐसा लगता है आने वाले समय में उन्हें आचार्य कुंदकुंद के समान ही याद किया जाएगा। जैन परंपरा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम लोग कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम जब मंगल की बात करते हैं जैन परंपरा में तो सबसे पहले भगवान महावीर, फिर उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर और तीसरे स्थान पर आचार्य कुंदकुंद आते हैं। मैं समझता हूँ आचार्य विद्यासागर ने भी वही स्थान प्राप्त किया है और आने वाले दिनों में उन्हें उसी रूप में देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक संत, एक मुनि, एक ऋषि जो अपने आध्यात्मिक साधना में निमग्न हो, ये बहुत साधारण बात है। अध्यात्म की साधना या धर्म की प्रभावना हर साधक करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी संस्कृति के विकास और राष्ट्र के उत्थान में अपना चिंतन देना और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना अपवाद स्वरूप ही किसी संत में देखा जाता है। यदि ऐसे तो बहुत उदाहरण मिले कि संत ने पूरे राष्ट्र के विकास में अपने आप को खपा दिया, लेकिन वो पूरी उस क्षेत्र में गया, वो सत्ता और साम्राज्य की लाइन में लग गया, लेकिन अपनी चर्या क्रिया में अप्रमत्त रहते हुए, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपने आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहते हुए अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला कोई कर्म किया है तो वह हमारे गुरुदेव ने किया है, आचार्य विद्यासागर ने। मैं कहूँगा कि उन्होंने ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म भी किया। प्रधानमंत्री जी ने जो विगत दिनों अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया और ये कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जब मैंने लिया और मैंने कुछ कहा तो उसका 24 घंटे में एनालिसिस करके मेरे पास संदेश पहुंचता था। आप ये कुछ समझ सकते हैं? और वो बहुत सूत्रात्मक शैली में बात करते थे, बहुत सूत्रात्मक शैली में, और उन्होंने जो बातें की वो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर हुई। अभी कहा गया कि उनका सोच विशुद्धतया राष्ट्रवादी था। दरअसल आज पूरे राष्ट्र को राष्ट्रवादी सोच तो रखनी ही चाहिए। राष्ट्रीयता को अपनाए बिना हम राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकते और राष्ट्रीयता तभी आगे बढ़ेगी जब हमारी सांस्कृतिक निष्ठा आगे बढ़ेगी। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व को चार दृष्टि से देखना चाहूँगा और उस संदर्भ में अपनी थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। हम अपने गुरुदेव में देखें तो मुझे उनमें चार बातें ऐसी दिखती है जो उनको सारे संसार से अलग करती है। सबसे गहरी बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है वह उनकी अध्यात्म निष्ठा। वो बड़े आध्यात्मिक संत थे। अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। इतने बड़े संघ के नायक, बड़े बड़े सत्ताधीश जिनके चरणों में नतमस्तक होते, सारी दुनिया जिनके चरणों में न्योछावर होती, लेकिन वे इन सब के मध्य अपने आप को एकदम अलग, निष्प्रह और एकाकी महसूस करते। वे जो कुछ भी करते आए केवल कर्तव्य के भाव से किया, उन्होंने कर्तृत्व की भावना अपने अंदर कभी नहीं आने दी। बहुत कम होता है, अभी आपको बताऊं, विगत कुछ दिनों से जब से उनकी तबीयत खराब हुई, एक ब्रह्मचारी ने जब उनसे बात की कि महाराज श्री अब आपको कैसा लग रहा, आपका इतना बड़ा संघ, आपने उन सब की व्यवस्थाएं, अब आगे कौन देखेगा, तो उन्होंने कहा कि
कि मैंने सब पहले ही व्यवस्था बना दी है, मैंने अपनी सारी व्यवस्था पहले ही बना दी। इतने बड़े संघ का संचालन कर रहे थे कुंडलपुर में, उन्होंने अपने संघ को छोड़ दिया। उनसे पूछा, महाराज जी आप भक्त प्रत्याख्यान कब करेंगे? जैन साधना में जब हमारा शरीर अशक्त होता है तो भोजन पानी आदि को कम करते हुए धीरे धीरे संलेखना के रास्ते पर बढ़ा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि आप भक्त प्रत्याख्यान कब करेंगे? भले भक्त प्रत्याख्यान तो मेरा चल रहा है। भक्त प्रत्याख्यान का मतलब केवल भोजन का ही परित्याग नहीं, भक्त यानी संघ का परित्याग, वो मैंने कर दिया है और सबको व्यवस्थित कर दिया है। उनके अंदर कहीं से किसी भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं। और उसी चर्चा में उन्होंने कहा कि कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की भावना से अपने आप को दूर रखना चाहिए। मैं निमित्त मात्र हूँ, कर्ता नहीं। एक बार मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव आपका कितना प्रबल प्रताप है कि इतना विशाल संघ और उसके बावजूद आज पूरा संघ आपसे बंधा हुआ है, जबकि अतीत में अनेक आचार्यों का संघ उनके ही शासनकाल में बट गया। आज भी आपका पूरा संघ आपकी आज्ञा में बंधा हुआ है, कितना प्रबल प्रताप है आपका। उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूँ बांधने वाला? ध्यान देना, एक अध्यात्म वेत्ता के हृदय की बात क्या होती है, अध्यात्मनिष्ठ साधक के उद्गार कैसे होते हैं। उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूँ बांधने वाला? जब तक तुम लोग आज्ञा मान रहे हो सो बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे सब छूट जाओगे। मैं तो केवल निमित्त हूँ, करता नहीं। सब काम करते हुए भी नहीं करना, यही आध्यात्मिकता है। कुरुवन अपि न कुरुवते, जो करते हुए भी ना करे। आज के समय में थोड़ा करके ज्यादा बताने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन बहुत कुछ करने के उपरांत भी अपने अंदर कर्तृत्व का भाव न आने देना वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो उनके जीवन में देखने को मिलते हैं कि उनकी आध्यात्मिकता कैसी होती है। वे बड़े निष्प्रहता और निरीहता के साथ अपना जीवन जिए, निर्भीकता के साथ उनने जीवन जिया। उनको कोई बाहर की बातें कभी प्रभावित नहीं होती थी, क्योंकि जिस मनुष्य की अध्यात्म निष्ठा, जिस साधक की अध्यात्म निष्ठा गहरी होती है, वो आत्मदृष्टि से संपन्न हो जाता है, वो बाहरी बातों से प्रभावित ही नहीं होता। जब कुंडलपुर में महामहोत्सव हुआ था सन 2001 में, तो कुछ अव्यवस्थाएं सी दिख रही थी, कुछ ऐसी सूचनाएं भी थी कि कुछ गड़बड़ होगा। बहुत बड़ा आयोजन, जहां आयोजन में 20,00,000 लोगों को सम्मिलित होना था, मैं थोड़ा घबराया और मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। उन्होंने सहज मुस्कान भरते हुए कहा, चिंता मत करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा सब ठीक करेंगे, हम तो केवल निमित्त हैं। और सब कुछ ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ। ये सोच हर किसी के अंदर नहीं हो सकती। अभी उन्होंने अपनी जो जीवन के अंतिम दौर को पूरा किया, उसमें भी कितनी निरीहता दिखती है, कितनी निरीहता और निष्प्रहता के साथ उन्होंने काम किया। उनकी एक बड़ी खासियत थी, वे अपनी किसी भी योजना को पहले से प्रकाशित नहीं करते थे, किसी को बताकर उन्होंने कुछ नहीं किया। जब एक ब्रह्मचारी ने उनसे कुछ दिन पहले पूछा कि आप ये सब कार्य करें, समाज को बता करके करें तो अच्छा हो, बोले मैं अपने व्रतों का पालन समाज के बीच में बता के क्यों करूं, मेरे व्रत है मुझे पालना, मैं कर रहा हूं। और वो पहले हमेशा कहा करते थे कि मुझे अपनी संलेखना बहुत उत्कृष्ट रीति से करना है, मुझे ऐसा दिखता है
कि उनने जब देख लिया कि अब इस शरीर का साथ ज़्यादा दिन नहीं होना, अपने मन ही मन वह कठोर निर्णय लिया और वे महामौन में जाकर के किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं किए और जो हो रहा उसे मात सहज भाव से जाना और देखा है। और आज उत्कृष्ट संलेखना उनकी संपन्न हुई। ये कोई साधारण बात नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। तो जिनके अंदर आध्यात्मिकता होती है वे सब कुछ कर लेते हैं और उनके अंदर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात, वे बहुत सकारात्मक थे। किसी भी प्रसंग में जब भी देखते तो सकारात्मकता के साथ देखते। उनके अंदर नकारात्मकता तो कभी थी नहीं। किसी भी मुद्दे पर एक कोई ऐसा प्रसंग था जब उन्होंने एक चिंतन दिया समाज को, वो चिंतन उनका नया चिंतन था जो हमारे परंपरावादी विद्वानों को पची नहीं, बहुत पुरानी बात है। लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आपको इस चिंतन से क्या मिला, उन्होंने कहा मेरी क्षमता बढ़ी। मेरी क्षमता बढ़ी मतलब लोगों ने आलोचना की और मैं उससे प्रभावित नहीं हुआ, ये मेरी क्षमता बढ़ी, इससे बड़ी बात क्या होगी। बाद में लोगों ने उन सब बातों को स्वीकार किया। ये बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं मैं। वो हर घटना, हर प्रसंग और हर परिस्थिति को केवल और केवल सकारात्मक दृष्टि से देखते थे और कभी किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते नहीं और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते थे। आज लोग छोटी छोटी बातों में प्रभावित होते हैं, छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं। मैंने कई बार देखा बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आयोजनों में एक बार स्टेज पर बैठे और ढाई ढाई घंटे तीन तीन घंटे तक कार्यक्रम चलता और कई बार संचालक गण जो होते हैं वो पूरा समय खराब कर देते, कार्यक्रम को विस्तार देते रहते और वो बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बैठे सो बैठे ही रहते। एक बार ऐसा एक बड़ा आयोजन था और हम लोग बहुत सारे वरिष्ठ मुनिगण वहाँ बैठे थे, विराजमान थे, तो हम लोग बार बार आपस में प्रतिक्रिया कर रहे थे कि ये कार्यक्रम की दिशा ठीक नहीं है, इसमें समय वेस्ट हो रहा है, इनको ठीक करना चाहिए आपस में। पर गुरु महाराज बैठे सो बैठे। हमने एक दिन पूछा कि आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तो इसे ही अपनी सामायिक मानता हूँ, समता रखता हूँ, जानो और देखो जो कर रहा है सो कर रहा है, कम से कम मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ, जनता को भी दर्शन हो रहा है और मुझे भी कुछ नहीं हो रहा। ये उनकी सोच। तो ये सकारात्मकता बहुत दुर्लभ गुण है जो जीवन में होनी चाहिए और यही व्यक्ति के व्यक्तित्व की आभा है। उनमें ये बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई थी। तीसरी बात जो उनके जीवन की विशेषता है वह है संवेदनशीलता। वो बहुत बड़े संवेदनशील और करुण हृदय थे, खुद के प्रति कठोर और औरों के प्रति एकदम मोम से भी ज्यादा, बल्कि नवनीत के समान। हमेशा उनके हृदय से करुणा झरती थी और वो दीन दुखियों, मूक प्राणियों और पीड़ितों वंचितों की कल्याण की बात हमेशा सोचते थे। यदि कहीं कुछ इस तरह की बातें दिखती तो उनका मन बहुत जल्दी इनके निपटारे के लिए चिंतनशील हो जाता था। सन 2019 में मैं गुरु चरणों में था, गुरुदेव नेमावर से बिहार करके सतवास में आए हुए थे। हम लोगों को उनके पास थोड़ा ही समय मिलता था, शाम का समय। एक दिन जब गया रोज के समय, रोज की भांति, तो देखा गुरुदेव बड़े एकदम शांत चिंतन में मग्न बैठे और बाकी हमारे साधुगण थे वो भी सब गंभीर शांत बैठे रहे। जब मैं पहुंचा, थोड़ी देर देखा मामला बिल्कुल शांत है, गंभीर है,
धीरे से मैंने कहा, गुरुदेव लगता है आज हम लोगों से कुछ गलती हो गई, कोई अपराध हो गया। क्यों, क्या बात है? बोले आपका यही समय हम लोगों को मिलता है और आप बिल्कुल, क्या बताऊं, बड़ी करुणा से कहा, क्या बताऊं, देखो दुनिया का क्या होगा, क्या हो गया। तो कुछ भाई उसी दिन जबलपुर के आए थे, उन लोगों ने गुरुदेव से प्रतिक्रमण से पूरे एक समाचार दिया कि गुरुदेव अभी पूरी फसलें, मतलब रबी की फसल बहुत अच्छी होती, रबी की फसल में एक विशेष प्रकार का कीड़ा हुआ है, ऐसा कीड़ा जो दिन में लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे घुस जाता जमीन के और रात में निकलता और पूरी फसल चौपट कर देता, पूरी फसल चौपट, और उनके लिए कीटनाशकों का भी कोई प्रभाव नहीं और फसल भी विनष्ट। ये सामने वाले ने सुनाया, हम लोगों को भी सुनाया था, और हम लोगों को सुनाने के बाद गुरुदेव को बताया। हम लोगों ने तो उसे घटना की तरह सुना और सुनकर के निकाल दिया, लेकिन गुरुदेव तो उसके मंथन में लग गए। उनके मन में दो बातें आई कि इन कीड़ों से फसलों का विनाश होगा और कीड़ों के विनाश के लिए लोग कितनी हिंसा करेंगे, हे भगवान अब क्या होगा। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, गुरुदेव के मन में से तो सहज करुणा निकली, प्रस्फुटित हुई, वो उनके संवेदनशील मानसिकता का द्योतक था, लेकिन उसके दूसरे ही दिन अचानक तेज वर्षा हुई और सारा प्रकोप खत्म हो गया। 2 दिन तक वर्षा हुई और सारा प्रकोप खत्म हो गया, जो नुकसान होना था वो नुकसान बहुत कमतर हुआ। ये एक संयोग भी हो सकता, मैं इसे गुरुदेव के व्यक्तित्व को महिमा मंडन करने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये एक संवेदनशील हृदय की अभिव्यक्ति है। कितनी संवेदना, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना। वो हमेशा कहते हैं लोगों का कल्याण करने की बात सोचो, लोगों का उत्थान करने की बात सोचो, दीन दुखी के उत्थान की बात सोचो, उनके प्रति हमारी करुणा दृष्टि होनी चाहिए। आज बड़े बड़े संत भी होते हैं, वो बड़े बड़े लोगों के बीच ही रहते हैं, लेकिन हमारे आचार्य महाराज, एक बार की बात है, सागर के क्षेत्र में कहीं विहार कर रहे थे, एक दलित के आंगन में बैठे उसकी कुटिया में बाहर बैठ गए, वहाँ सामायिक किया, सामायिक करके वो तो उठ के चले गए। कुछ भक्तों ने उस भाई से कहा, भाई ये पत्थर हमें दे दो, जिस शिला पे बैठे थे। लोगों ने उसे 5 लाख रुपए तक देने के लिए बोल दिया। उसने भी, वो भी बहुत ऊँचा निकला, उसने इनकार कर दिया, नहीं दिया, और आज भी उस शिला की पूजा करता है। आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा ये भावना। जिनने जिनका एक ही मंत्र था, सर्वोदय, सबका कल्याण, वे एक जैन साधक थे जरूर, पर उनकी सोच प्राणी मात्र के कल्याण की थी। और जैन होने का मतलब ही यही है, जो जन जन के नहीं प्राणी मात्र के कल्याण की बात सोचे, जो सबके मंगल और कल्याण की बात सोचे, वही जैनत्व की कसौटी है। उस दृष्टि से विचार करने की बात है जो गुरुदेव के व्यक्तित्व में विशेष रूप से परिलक्षित होती। और चौथी बात, उनका एक कठोर अनुशासन। वो अनुशासन प्रेमी थे, जो कहते थे वो करते थे, और पहले करते थे फिर कहते थे, हमेशा एक आदर्श। उनने जो कुछ भी हम लोगों को कहा बताया, वो पहले खुद अमल करे, और कहने के बाद कभी कोई कम नहीं करते। यही कारण था कि आज पूरा संघ उनसे बंधा, पूरा संघ उनके आदेश की प्रतीक्षा के लिए आतुर रहता, कब हमें आदेश निर्देश मिल जाए। वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनका नहीं बोलना ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता था। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी छाप। हम लोगों का ये दुर्भाग्य है
कि अब तक तो सीधे सीधे हमें उनसे सब कुछ मिल जाता था, अब हम सब ये कहेंगे कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, अब प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता और उपाय भी नहीं, संसार का ये चक्र है, हमने तो उन्हीं से ये सब सीखा है, नीति को जो मान है वो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो जितना उनने हम सब के लिए दिया है, मैं समझता हूँ हमारे लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त है। हम उसका अनुसरण करें, उसका अनुकरण करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ जिया जा सकता है। आज मैं चूँकि संपूर्ण राष्ट्र उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बिन्यांजलि अर्पित कर रहा है, वे एक ऐसे महान विभूति जिनको सभी वर्ग के लोगों ने सम्मान दिया, श्रद्धा से पूजा, एक संप्रदायातीत संत के रूप में प्रतिष्ठापित होना कोई साधारण घटना नहीं है। सब तरफ उनकी बिन्यांजलि हो रही है। अभी सिख समाज की तरफ से कहा गया कि कल गुरुद्वारा में उनके लिए बिन्यांजलि की जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, पर मैं ये मानता हूँ उनके प्रति सच्ची बिन्यांजलि या श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उनके आदर्शों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में हम आगे बढ़ें, उनकी उस प्रेरणा को पा करके हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकता है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हम अब तो उनकी जितनी चर्चा करें उतनी कम है, हम जिस एंगल से देखते हैं उस एंगल में हमें बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। हो सकता आप ये कहो कि ये आपके गुरु थे इसलिए आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जिनने भी उनको निकट से देखा है वो सब यही बोलेंगे, वो उनकी विशेषता थी। हमारे गुरु थे इसलिए तो हम बोलें ये बात अलग है, लेकिन हमने तो उनको निकटता से देखा है और बहुत गहराई से समझा है, तो वो चीज़ें हमारी समझ में आती है, वो उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। हम आज उनके चरणों में यही भावना व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आपने तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जितना भी आपने जीवन जिया उत्कृष्ट साधना के साथ जिया और उसका उपसंहार भी उसी उत्कृष्टता के साथ किया। हम प्रार्थना करते हैं अपनी ओर से, संघ की ओर से, आप सब की ओर से, कि हम में भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही भावनाएं और हम में हम भी जीवन पर्यंत आपके आदर्शों के अनुसार अपना जीवन जीते हुए अंत में आपकी तरह उस उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त कर सकें जो हमारे जीवन का मूल ध्येय है। गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूँ, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूँ, मेरे अपने शब्द कहाँ जुगा लूँ। मिट्टी के अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। करूँ आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूँ आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूँ, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूँ, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गा लूँ। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृक खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृक खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, पर मरुथल के बक्षस्थल से किसने राह निकाली। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर, आंसू खारा होता है, खारे जल का
अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी, आंसू से अपने नैनों को नहा लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं, ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीप दिखाना है। लेकिन बात सही है, सूरज को दीप दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब कभी सूरज की आरती उतारने का प्रसंग हो तो हमारे पास दीप के अलावा और कुछ नहीं है। हम सूरज को दीप नहीं दिखा रहे, इस दीप से उसकी आरती उतारने का स्वल्प प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव हम सबके हृदय में हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का हम सब पालन करते रहें, उनके कार्यों को, उनके मिशन को हम आगे बढ़ाएं, जिससे देश, समाज, संस्कृति सबका विकास हो और मानवता संरक्षित हो। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। हाँ, आज की सभा को सभी लोग खड़े होकर एक मिनट के लिए मौन नमोकार मंत्र के स्मरण के साथ मौन करके विसर्जित करेंगे, इस भाव से कि परम पूज गुरुदेव जहाँ भी हों वो अपनी आराधना में लीन हों और हम सबको उनका ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहे।